जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप अपनी पोस्ट को इंस्टाग्राम पे किस तरह से प्रमोट करेंगे, ठीक है, जिसकी बेस पे जो ज़्यादा पब्लिक है वो आपके पोस्ट पे आएगी, और आपसे जो है ना वो मेंबरशिप के बारे में जो है ना वो डिटेल्स लेंगी, और उनमें से कुछ ऐसे भी होती हैं जो आपके पास मेंबरशिप भी ले लेती हैं, ठीक है। जो प्रमोशन होती है वो न्यू न्यू स्टार्टअप्स जिनका होता है, ठीक है, उनके लिए तो वो बेस्ट है कि वो महीने में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर लगाया करें, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं ना तो मंथ में 1 दफ़ा लगाते हैं, ठीक है, तो आप लोग, जब मैं नहीं होती तो मैं महीने में मेरी दो दो तीन तीन जो थी ना वो प्रमोशंस लगती थी, ठीक है। तो आप भी दो दो तीन तीन प्रमोशंस अपनी लगाया करें, क्योंकि एक तो आप लोगों को स्किल्स डेवलप होंगी कि हमने ऑनलाइन कम्युनिटी से बात किस तरह से करनी है, दूसरा आपको अच्छे मेंबर्स मिलना तभी शुरू होते हैं जब आप ज़्यादा मेंबर्स रिक्रूट करते हैं उनमें से, क्योंकि जब आप 10 रिक्रूट करते हो 10 में से सिर्फ 2 ही चलते हैं, ठीक है, और 2 में से भी एक ही काम का होता है, सही है। तो आपने रिक्रूटमेंट जितनी मर्ज़ी आप रिक्रूटमेंट करते रहें करते रहें करते रहें, क्या पता आपको कब कोई अच्छा मेंबर मिल जाए जो ख़ुद भी ग्रो करे और आपको भी साथ में ग्रो करवाए, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी पोस्ट रेडी करनी है, ठीक है, अपनी पोस्ट, आपकी पोस्ट के ऊपर ध्यान रखना है कि वो पोस्ट किसी और पेज के ऊपर भी ना हो, ठीक है, क्योंकि जो प्रमोशन के लिए कॉपीराइट का इशू आता है और प्रमोशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है अगर आप किसी की कॉपी करके पोस्ट प्रमोट करें तो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट के इशू का ध्यान रखना है, अपनी पोस्ट खुद बनानी है, ठीक है, और वो पोस्ट किसी और पेज के ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी क्रिएटिव पोस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी और की पोस्ट को यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपको कॉपीराइट का इशू आएगा और आपकी जो प्रमोशन है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करें कि आपके पास सबूत हों, जो भी आप पोस्ट लगाएं साथ में अपने चेक ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, ताकि देखने वाले को पता चले कि हाँ वाकई में ये कोई वर्कआउट है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये मेरी अपने हाथ की बनी हुई पोस्ट है, ठीक है, ये देखें, और आपने सिंपली इसको प्रमोशन पे जाना है, ठीक है। मेरा प्रमोट अगेन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रमोशन पहले डाली थी, आप देख सकते हैं नीचे 41 कमेंट्स हैं, 50+ लाइक्स हैं, ये एक दिन के लिए मैंने डाली थी, एक दिन से भी कम शायद चली थी, एक दिन से भी कम की थी शायद, ठीक है। और इसमें इस पोस्ट में से मैंने अपने 12 मेंबर्स रिक्रूट किए हैं अप्रैल में, ठीक है, 12 मेंबर्स मैंने रिक्रूट किए हैं अप्रैल में, और उन 12 में से जो 4 हैं उन्होंने अपना वेलकम किट्स भी क्वालिफाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब तक इसको करना है आपने प्रमोट, यहाँ पर प्रमोट पे आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। देन आप यहाँ पर जाएंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप प्रोफाइल विजिट को सिलेक्ट करते हैं, वेबसाइट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट मैसेज को, डायरेक्ट मैसेज को सिलेक्ट किया करें क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको DM आते हैं, डायरेक्ट आपको इनबॉक्स में मैसेज आता है जो भी आपकी पोस्ट स्पॉन्सर देखता है, ठीक है। आपने सिंपली अपनी जो ऑडियंस है वो क्रिएट करनी है, ठीक है, क्रिएट योर ऑडियंस, यहाँ पर ऑडियंस का नाम लिखना है कि गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन में आपने पाकिस्तान लिखना है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ लाहौर लिखेंगे तो सिर्फ लाहौर की आएगी आपके पास, तो कोशिश करेंगे पाकिस्तान की लिखें ताकि पूरी कम्युनिटी आपके पास आए। इंटरेस्ट आपकी अब अपनी मर्जी है कि इंटरेस्ट आप क्या लिख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स लिख लें, जॉब सर्च भी लिख सकते हैं, कोई जॉब सर्चिंग वाली होती हैं तो स्टूडेंट जॉब सर्च, ठीक है। आपका इंटरेस्ट से जो आपकी रीच है ना पोस्ट की वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ज़रूर मेंशन किया करें। स्किन केयर कर लें, ये देखिए इंटरेस्ट हो गए हैं। एज अब आपने सेलेक्ट करनी है, एज आपने कोशिश करनी है कि 18 से अबव अबव हो, 18 से डाउन ना हो, ठीक है, क्योंकि 18 से डाउन जो है ना फिर उनके पास ही है ना ऐसे नहीं होते। मेल को आपने यहाँ से कट कर देना है कि आपकी जो पोस्ट है वो मेल तक ना जाए, सिर्फ ईमेल तक जाए, क्योंकि मेल्स को रजिस्टर्ड करना टाइम वेस्ट है, सिर्फ टाइम वेस्ट, वेस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है, मेल का भी काम नहीं करते, कोई कद्दूका ही होता है, कोई बहुत लकी स्पॉन्सर्स होती हैं जिनके मेल मेंबर्स चल जाते हैं, खुद भी मैनेजर बनते हैं और आपको भी मैनेजर बनाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बहुत काम है, कोई नहीं चलते। ऑडियंस सेलेक्ट हो गई है आपकी, ठीक है, 19+ पाकिस्तान, और ये देखें इंटरेस्ट। अब आपने इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना बजट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने अपने जो इंस्टाग्राम का जो पेज है वो आपका FB के पेज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो प्रमोशन की जो पेमेंट है वो FB से आप डालते हैं। आप 1 डे की डाल लें, ठीक है, 80 की डालेंगे तो देखें
1400-2370 ये INR है, ये जो करेंसी मेरे पास आ रही है ना ये INR है, इंडियन करेंसी मैंने सेलेक्ट की हुई है अपनी, ठीक है। ATRS पे 170 या 150 कट ऑफ होते हैं, ठीक है। तो 150-170 से अगर आपको मेंबर्स मिल रहे हैं तो आप ज़रूर महीने में एक दो दफ़ा जो है ना प्रमोशन लगाएं, दो दफ़ा आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि महीने में 2-3 दफ़ा प्रमोशन डालें, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप हर हफ्ते प्रमोशन डालेंगे तो ही आपके पास मेम्बर्स आएंगे, ठीक है। तो आपने अपना जो है ना बजट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपके डे सेलेक्ट होंगे, कोशिश किया करें कि 1 या 2 दिन की प्रमोशन डाला करें, ठीक है। जैसे कि मैं ज़्यादातर 1 दिन की डालती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं मैनेज करूँ, ठीक है। अब 160 के अगर आप डेली डालते हो तो ये आपके 200 रुपये बनते हैं, 200-250 रुपये बनते हैं, ठीक है। दिन के सेलेक्ट हो गया, ये देखें आप यहाँ पर आ गई है आपकी डेस्टिनेशन, मैसेज सेंड करने हैं, बजट भी आपका सेलेक्ट हो गया। अब पेमेंट आपने कहाँ से करनी है, पेमेंट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। इधर जाएंगे, यहाँ पे आप अपना ना, जैसे कि ये मेरे 2 डेबिट कार्ड यहाँ पर एडिड हुए हैं, ठीक है। तो आपने अपना न्यू डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपने डेबिट का कार्ड का नाम देंगे, जो भी आपका डेबिट कार्ड पे नाम है, जैसे कि मेरे नाम पर रिजवाना यास्मीन है, मेरे अपने नाम पे है, ठीक है। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट देंगे अपने ATM कार्ड की, और यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कोड लिखेंगे अपने ATM कार्ड का कि आपके ATM कार्ड का सिक्योरिटी कोड कौन सा है, ठीक है। यहाँ से पेमेंट कहीं भी नहीं जाती, अगर आपको ये लगता है कि आपके ATM से और बैंक से पैसे कहीं चले जाएंगे तो नहीं जाते, जितने आप सेलेक्ट करते हैं उतने ही पैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये बैंक लेवल सिक्योरिटी आपकी होती है यहाँ पर, यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो कहीं भी नहीं जाती। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर लिख के, ठीक है, तो कार्ड को क्या कर देंगे, सेफ। जब आप कार्ड को सेव कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कार्ड आपके ऐड हो जाएंगे, जैसे कि मेरे ऐड हुए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से कार्ड को आप सिंपली सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप अपनी पेमेंट लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 40 INR की पेमेंट करनी है, आपके रुपीज़ में आएंगे वैसे जो, क्योंकि आप लोगों के न्यू अकाउंट्स हैं। खैर मैंने अपने खुद पेमेंट चेंज की हुई है, इंडियन INR की हुई है, ठीक है। आपके रुपीज़ में भी आ सकते हैं, डॉलर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 40 की पेमेंट ऐड करो, 50 की पेमेंट ऐड करो, इट्स अप टू यू। यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपली इधर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, एक दफ़ा आपका आएगा कि आपकी पेमेंट नहीं हो रही, आपने दोबारा से क्लिक करना है। फिर आपको बोलेंगे पेमेंट नहीं हो रही, आपने दोबारा से क्लिक करना है, ठीक है। जब आप 2-3 दफ़ा क्लिक करते हैं पेमेंट आपकी ऐड हो जाती है, जब पेमेंट आपकी ऐड हो जाती है तो पेमेंट आपकी यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे कि मेरा आपको बैलेंस शो हो रहा है कि अवेलेबल बैलेंस कितना है, 180 INR, ठीक है। इस वक्त 600 रुपये जो है ना मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं जितनी भी पेमेंट्स होती है मैं ऐड करके रख देती हूँ, मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं फिर फ़ौरन प्रमोशन जो है ना वो क्रिएट कर लेती होती हूँ। ये देखें यहाँ पर पेमेंट ऐड हुई हुई है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आपने क्रिएट प्रमोशन करना है, प्रमोशन क्रिएट हुई है, पेंडिंग अप्रूवल आ गया यहाँ पर। अब पेंडिंग अप्रूवल को आपने कहाँ पर देखना है, ये देखें, यू हैव वन पेंडिंग। आप जो पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है वो कितने दिन बाद आपकी, 24 आवर के बाद भी आपकी एक्टिव हो सकती है, आपकी 10 घंटे के बाद भी एक्टिव हो सकती है, आपने इतना वेट करना होता है, ठीक है। और कोशिश करनी होती है कि 4 बजे के बाद प्रमोशन लगें, क्योंकि शाम के टाइम पे कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव होती है, रात के टाइम पे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। दिन के टाइम पे इतने एक्टिव नहीं होते, आप अगर रात के टाइम पे अपनी प्रमोशन डालेंगी तो प्रमोशन की रीच ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा रहा है, प्रमोशन इज इन रिव्यू, एक्सेप्ट डिले भी हो सकती है ड्यू टू कोरोना कोविड सिस्टम की वजह से आपकी डिले भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है आपकी पोस्ट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आ जाता है आपका, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि योर पोस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, इस जगह पर नोटिफिकेशन आपका आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह का प्रमोशन आती है कि योर प्रमोशन हैज़ वाज अप्रूव्ड, ठीक है, कि आपकी जो प्रमोशन है वो अप्रूव हो चुकी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी प्रमोशन है वो एक्टिव हो जाती है, उसके बाद आपको DM आना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद आपको लाइक्स भी आते हैं, और उसके बाद आपको कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। अब आपने कमेंट्स में किस तरह से डील करना है, कमेंट में जो भी आपसे पूछने के लिए आता है आपने उसको सिंपली क्या कहना है कि काइंडली DM फॉर मोर डिटेल्स, कि वो बंदे हमें DM करें, ठीक है। हम इनबॉक्स में जो है ना वो अपनी यहाँ पर कभी डिटेल नहीं देनी, कमेंट्स में कभी डिटेल नहीं देते होते, जो डिटेल्स हैं वो आपने अपनी हमेशा DM में देनी होती हैं, ठीक है, इनबॉक्स हम जिसको कहते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी कम्युनिटी के मुझे मैसेज आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको इनबॉक्स में भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आते हैं, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट आपको इनबॉक्स में भी काफ़ी सारे आते हैं, ये देखें, ये मेरी प्रमोशन के सारे टेक्स्ट थे, कोई 100+ टेक्स्ट थे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो प्रमोशंस आती हैं फिर, और कोशिश किया करें कि जब भी कोई आपके पास ऑनलाइन पर्सन आता है, ठीक है, पूछने के लिए, तो आप उसको
अपना एक टेक्स्ट लिखा हुआ सेंड करें, ठीक है, ये मैंने अपना खुद लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने सारा का सारा खुद टाइप किया हुआ है, अपना एक शॉर्ट सा टेक्स्ट टाइप करके, और उसको वॉइस मैसेजेस में समझाएं, ठीक है। अगर आप वॉइस टेक्स्ट में समझाएंगे तो उसका जो ट्रस्ट है ना वो आपके लिए गेन करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ वॉइस टेक्स्ट सेंड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वॉइस टेक्स्ट का बेसिकली क्या पर्पज़ होता है कि वॉइस टेक्स्ट से आप अगले का जो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। एक लॉन्ग मैसेज आपने सेंड करना है, एक अपना कमीशन चार्ट सेंड करना है, ठीक है, और टेक्स्ट में उसको हमेशा समझाना है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। ऑडियो में समझाएंगे, अगले का ट्रस्ट डेवलप होता है और अगला जो है ना वो आपकी बात को सुनता भी और समझता भी सही तरीके से। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी कन्विंसिंग स्किल्स जो है ना वो कितनी स्ट्रांग है, जिसकी बेस पे जो है ना वो आप अपने ऑनलाइन